हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस 43,520 में जो 23,520 सिविल पुलिस थी उसकी जेटीसी की तिथि में क्या परिवर्तन हुआ और कब से जेटीसी स्टार्ट होने वाली है और इसका जो जेटीसी इसका जो पोस्टपोन किया गया है, पहले 29 से होने वाली थी, अब किस डेट होने वाली है, तो इसका रीज़न क्या है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें परिवर्तन क्या हुआ, तो परिवर्तन ये हुआ कि इसमें अभी जो पूरे बच्चों का मेडिकल भी नहीं हुआ, कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो रायवली, यहाँ से अभी 51 बच्चों का मेडिकल अभी नहीं हुआ, तो इनका जो डाटा भी नहीं मिला, इस डाटा ना मिलने के कारण आपकी जेटीसी जो है वो थोड़ा सा लेट हो गई है। तो आपकी जेटीसी की जो डेट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 8 मई आपसे जो डेट है वो ऑफिशियली डेट घोषित कर दी गई। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि चलिए दिखा देता हूँ आपको प्रूफ, कि आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आपकी जेटीसी कब से स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप ये पीडीएफ देखे पा रहे हैं, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, तो ये 29 अप्रैल का है, ठीक है। आप इसमें यहाँ पर पूरा इस पीडीएफ को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसी में लगा हुआ है, तो इसमें आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। कृपया अवगत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2018 में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चयनित 23,520 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसके चिकित्सा परीक्षण अभिलेखों को संविदा चिकित्सा परिचय सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रारंभिक जेटीसी तत्पश्चात गहन परिचय प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि नागरिक पुलिस में चयनित 23,520 अभ्यर्थियों का दिनांक 8/4/29 से 25/4 तक चिकित्सा परीक्षण अभिलेख की समीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के दिनांक 8/5/2019 से प्रारंभ हो जानी, तो आपकी जो जेटीसी है वो 8/5 से ही स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं ये 1 महीने पहले ही कंफर्म था, तो आप देख सकते हैं 3 अप्रैल का ये नोटिस है, 1 महीने आपको पहले ही कंफर्म था कि आपकी जो जेटीसी है वो 8/5 से स्टार्ट होने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।